तोरू की सब्जी के लिए एक पाव तोरू कट कर लिया है। यहाँ लिया है मैंने एक बड़े साइज का प्याज, एक मीडियम साइज का टमाटर, कुछ लहसुन की कलियाँ और हरा मिर्च। इन सबको हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। चना दाल को मैंने एक घंटे पानी में फुला दिया था। यहाँ लिया है मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक अपने स्वाद अनुसार ले लें, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा और काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। दो बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लें। तो चलिए दोस्तों, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल गरम हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे साबुत जीरा। जीरा अच्छे से चटकने के बाद उसमें हम डालेंगे लहसुन, फिर बारीक कटा हुआ प्याज और हरा मिर्च। फिर इसे अच्छे से मिला लें और 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लें। तो ये देखिए, मैंने इसे भून लिया है। अब हम इसमें सारे मसाले को ऐड कर लेंगे। दोस्तों, जो लोग तोरी की सब्जी नहीं खाते होंगे वो लोग भी इसे बहुत ही पसंद से खाने लगेंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। मसाले को थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर और टमाटर को भी अच्छे से मिला लेंगे। की फ्लेम को लो करके हम इसे थोड़े देर के लिए ढककर छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे भिगोया हुआ चने का दाल। और इसे भी अच्छे से हम मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए तोरी की सब्जी और इसे भी बहुत अच्छे से मिला लें। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। दोस्तों, इसको पकाने के लिए थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये सब्जी खुद ही पानी छोड़ता है। अब इसे हम ढक देंगे और आंच को मीडियम करके थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे। दोस्तों, बीच बीच में इसे चलाते रहे ताकि सब्जी जले नहीं। स्वाद को बढ़ाने के लिए अब मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला। बीच बीच में सब्जी को ऐसे ही चलाते रहे ताकि सब्जी अच्छे से पक जाए और जले भी नहीं। तो यहाँ मेरा सब्जी बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों, आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि आपकी ये सब्जी कैसी बनी।